हमारा सेविंग बकेट आ गए हैं और मैं ओमेगा बेसिकली एक बीट बॉक्सर है ऑर्डर की। हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, अभी मैं हूँ स्टीम हॉल में, स्टीम हॉल के बाहर अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और मेरे साथ है एक बहुत ही अच्छी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जाना हमें है थर्ड फ्लोर पे। हम लिफ्ट से भी जा सकते हैं यार, क्या दबा मैं भूल गया सीढ़ी को, मैं भूल गया घंटा तो मैं पता ही नहीं है इस सीढ़ी का पता ही नहीं है इसको क्या बोलते हैं, मुझे क्या आता मैं भूल ही गया। अभी लिफ्ट से ही जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, स्केचर्स का है, एडिडास का है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से आपको ये दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। ये हैं कपड़े जो कि सबसे सस्ते हैं यहाँ पे, इस मॉल में सबसे ज़्यादा मुझे यही लगे जो कि यहाँ पे बीच में। तो अब हम ऊपर जाएंगे, बाकी साइड आपने देख लिया होगा। मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, इससे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ में अब काफ़ी सारे ब्रांड्स देखेंगे, यहाँ पे देखो आप शेरवानी भी बेच रहे हैं और पार्क एवेन्यू शोरूम, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स तो हैं, ये बात सही है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी भी इसको काफ़ी टाइम लगेगा डेवलप होने में। मोंटी कार्लो शोरूम और इनफैक्ट कोहली ब्रदर्स भी यहाँ पे, जहाँ पे पहले यूनिफॉर्म लेता था स्कूल के लिए, जो कि रेजिडेंसी रोड पे था। चलो अच्छा लगा यहाँ देख के, अब हम ऊपर जाते हैं, देखते ऊपर कौन सा फ्लोर है। सुपर मार्केट भी है, मैं मुझे नहीं पता थी। चलो सेकेंड फ्लोर पर मैं चढ़ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं, यहाँ पर अभी सब कुछ ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अब हम डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पर मिलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उसके लिए मैं लिफ्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन लिफ्ट नहीं, मैं डायरेक्ट सीढ़ियों से ही जा रहा हूँ। तो सोचा कुछ खा लेते हैं, तो अभी स्ट्रेट जाते हैं KFC। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हमें पसंद है KFC भाई, चिकन के हम बड़े फैन हैं, तो मैं जा रहा हूँ KFC। ये हमारा सेविंग बकेट आ गए हैं, ब्रेक इशू हुआ है, हम दो ही हैं, लेकिन अच्छी तीन आ गई हैं, तो अभी दो ये पीने वाली है, मैं पी लूँगा, तो अगर आप भी लेना चाहो ले लेना, लेकिन एक पेप्सी कैंसिल करा दें। अभी हमने ये सब खाया और अब ये ट्रे ले रहे हैं और पर चली गई वॉशरूम। तो अब A few minutes later, तो गाइस यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है ओमेगा, इसका नाम क्लब हाउस में हमारा मीटअप हुआ था, तो अब हम आइसक्रीम लेने वाले हैं पाब्लो से। तो कौन सी ऑर्डर की? ब्लैक करंट। हाँ तो ओमेगा, तो ओमेगा बेसिकली एक बीट बॉक्सर है और बीट बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छा ये कर लेते हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बीट बॉक्सिंग बढ़ेगा इसका। ये चीज़ पता है कॉपीराइट आएगा तुम्हें, क्यों? क्योंकि सॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे व्लॉग हमें काटना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ओमेगा, हम आपसे नहीं मिले आज, ये यार मैं कर दूंगा ऐसा कुछ जुगाड़। फ्लेवर जो मैंने लाया ब्लैक करंट और इन्होंने वेनिला, लेकिन इनको वेनिला में टेस्ट नहीं आ रहा है उतना जितना ब्लैक करंट में, तो अभी हम फ्लेवर भी करेंगे। वैसे ब्लैक करंट काफ़ी अच्छा टेस्ट है सर, और ये आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, KFC के बाहर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमने ये लाया है, यहाँ पे आपको बर्गर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मोमोज भी मिल जाएंगे, यहाँ से आपको और तरह की आइसक्रीम्स मिल जाएंगी और आपको अनाब खान भी मिलेगा। और ये फन सिटी है, हम यहाँ जाएंगे लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का, और पूरा एक ज़बरदस्त ब्लॉग बनाएंगे फन सिटी का। हम वापस जा रहे हैं नीचे, ये कहाँ गई? तुम कहाँ जा रही हो? तो इसको लिफ्ट में चढ़ना है। अगर आपका बच्चा
बोर हो चुका है और वो थोड़ी मस्ती चाहते हैं, तो आप इस ट्रेन में जा सकते हो। अपर लाल चौक, नूरबाग, कमरपुर, समझ रहे हो। अब हमारी उम्र वो नहीं रही कि हम इस ट्रेन में चढ़े। खैर, काफ़ी एंजॉय किया हमने। तो गाइस ब्लॉग काफ़ी अच्छा रहा। अब हम जा रहे हैं वापस। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा।